हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे को काफ़ी सवाल थे इसके ऊपर, काफ़ी लोग पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे थे कि भैया बुक का बिजनेस कैसा है, बुकी बनना कैसे रहेगा, कैसे बने। तो मैंने सोचा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, और जो लास्ट वीडियो मैंने कवर किया था उसमें मैंने बताया था कि क्रिकेट में डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं, चाहे वो एज ए फंटर हो, एज ए बुकी हो, एज ए टिपर हो, एज ए स्पोर्ट एनालिस्ट हो, एज ए आपका फैंटेसी प्लेयर होते हैं। तो ये पार्ट टू है उसका। पहले में मैंने बताया था कि आप एज ए फंडर कैसे बन सकते हैं, क्या बेनिफिट हैं, क्या नेगेटिव है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आने वाले समय में क्या फ्यूचर मुझे दिखता है मेरे हिसाब से, और क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, वो सब बात। देखो, बुकी बनना के बारे में लोग कब सोचते हैं, जब वो फंडिंग से परेशान हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं वो फंडिंग से थक हार के, और उनको ये उनके समझ में आती है बात कि भैया बुक के बिजनेस में चले जाओ, टेंशन ख़त्म हो जाएगी साली, ये रोज़ रोज़ की खाई लगाई, भाव एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, किस भाव पे होगी, जब बैठे हो तो कि भाव नीचे जाएगा तो साला भाव ऊपर से भाग जाता है, आप ही की टीम जीत जाती है, और जब बैठे होते हो कि सारा आज जल्दी पकड़ लो, 80 पकड़ लो इसको, तब भाव नीचे तक भाव जाता है, खाने को मिलती है, फिर आपने खा लिया तो क्या भाव ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कितने पैसे पे कितनी एंट्री करनी है, वो सब भसड़ते भसड़ते आदमी सोचता है यार बुकी बन जाओ, फंटर ने तो वैसे भी हारना है। ये मैंटेलिटी है जो कि मेजोरिटी देखा जाए तो बात सही भी है। मैक्सिमम लोग जो फंटर होते हैं वो पैसा हारते हैं, ये सभी जानते हैं। बट सब कुछ कहते हैं ना, दूसरे की थाली में घी ही घी, तो ऐसा ही नहीं होता। सारे में आपको पॉइंट बताऊंगा इसके बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। हमेशा शुरुआत करनी चाहिए खुशखबरी से, तो आपको नाराज़ क्यों करना, आप वीडियो छोड़ के भाग जाओ आगे। सच्चा है कि यार पहले आपको अच्छी खबर दे दूँ, और हाँ यार इसको पोस्ट करके अभी के अभी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाला घंटा दबा दो, यानी कि बेल नोटिफिकेशन, प्लीज़ यार। चलो आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखो सबसे पहला जो पॉजिटिव है ना, वो है आप समझो फंडर और बुकी में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो फंडर है वो हमेशा बहाव जो होता है, यानी कि पानी का बहाव, समुद्र का बहाव, मान लो आप नदी में तैर रहे हो, आप बहाव के अगेंस्ट चलते हो, आपका जो सामना है वो एक नेक्सस से है। माफिया वर्ड काफ़ी लोग यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे, खैर मैं क्लेम ऐसा नहीं करूँगा कि ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, मेरे से पहले भी लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंडिकेट भी एक वर्ड इसका होता है, नेक्सस मैं बोल देता हूँ। चलो नेक्सस यहाँ पे बताया, किसने बोला नहीं होगा, ये उसी श्रेणी में आता है। नेक्सस का मतलब भी यही होता है। एक वर्ड और होता है कबाल, CABAL, वो वर्ड भी सेम ही होता है, इन्हीं के लिए यूज़ होता है। किसी वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा कि माफिया कौन होता है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ये मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो जो फंडर होता है ना, वो हमेशा चलता है आपका बहाव के खिलाफ, और जो बुकी होता है उसे हमेशा बैकिंग होती है, सपोर्ट होता है माफिया का। क्योंकि देखो, अगर बुकी ही रास्ते में से उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने एक वीडियो में बताया था, बहुत पहले वाली वीडियो में, अपनी सबसे पहली वीडियो मैंने जो बनाई थी कि वाई बुकी ऑलवेज विन एंड पंटर लूजेस। तो अगर बीच में बुकी ही उड़ जाएगा, तो जो दुबई में बैठा है ना दाऊद भाई, जो लंदन में बैठे ना बैट 365, ये हमारे आपके घर तो आएंगे नहीं, घंटी बजाने टिंग टिंग, हेलो विनस लाओ पैसा दो, हेलो हेलो, है ना, ऐसा तो करेंगे नहीं वो लोग कि भाई साहब देखो ऐसा है, हम ना लंदन में बैठ के आपको लूट नहीं पा रहे थे, क्या है कि अभी आपके घर पे आके आपको लूटते हैं, ऐसा तो वो बोलेंगे नहीं। तो इसलिए उनको बीच में बंदा चाहिए, भुगी उनको चाहिए अगर आप देखो तो। सो इसलिए उनको माफिया की बैकिंग है, माफिया उनके थ्रू पैसे जनरेट करता है, इसलिए जो बुकी का बिजनेस होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। बुकी उनके जो माफिया होता है उनके फेवर में, यानी कि नेक्सस जो होता है उनके फेवर में मैच को सेट करता है। तीन अगर दो तीन मैच तगड़े हो गए, जो भी पंटर ने पैसा बना लिया, अब वो क्योंकि फट गई है, अब उस केस में क्या करेंगे, वो कुछ मैच ऐसे बनाएंगे, सेट करेंगे उस हिसाब से कि बंदे को सेशन में भी लपेटो पहले, मैच में भी लपेटो। और ये आप और हम जानते हैं कि जब बंदा जीतता है उससे ज़्यादा, जब उसका ख़राब टाइम आता है उसमें ज़्यादा पैसा वो हारता है, जीतते टाइम उसकी फटी होती है, क्योंकि 20-25 का जैकपॉट है। इसका ये मतलब नहीं ना कि वो अगर मैं उड़ रहा है तो सब उसमें खा ही रहे हैं, सबको समझ में ही आ रहा है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता यार ये तो ख़त्म हो गया, मैं छोड़ उसको।
तो ये एक तरह का एक भ्रम है, मिथ है कि जैकपॉट उड़ गया लोग फंटने पैसे कमाए, या उल्ट ऐसा नहीं होता, ये मैं बता चुका हूँ कितनी बार। खैर ये अलग बात हो जाएगी। अगला पॉइंट है, अगर आपके पास इनफ बैंक रोल है देन यू वोंट गो बैंकरप्ट। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, यानी कि आपके पास जितने फंटर हैं उसके रेशो में आपके पास एक अच्छी खासी पूंजी है, तो आप इस लाइन में, इस लाइन से आउट नहीं होगे। आपने भी देखा होगा लाइन से जैकपॉट, लाइन से स्टेट में आपको 10 मिल जाएंगे, लेकिन कभी आप ऐसे नहीं देखोगे लाइन से आपको जैकपॉट में 10 मिल जाए। बहुत रेयर होता है ऐसा, मतलब मुझे तो याद नहीं आ रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट जो देखा है वो IPL 2018 का था, जिसमें 60 में से 33 मैच जैकपॉट हुए थे, वो मुझे टूर्नामेंट ध्यान है। और 33 तो जैकपॉट हुए थे, बाकी ट्रेडिंग मैच भी हुए थे, यानी कि वो फुल टूर्नामेंट फंटर फ्रेंडली था, फुल फंटर फ्रेंडली इसको बोलते हैं वो, क्योंकि बहुत लगी थी सारे टूर्नामेंट में। लेकिन जो स्टेब्लिश बुकी थे, जिनके पास पैसा था, जो बैंक रोल यहाँ से बजट बना चुके थे, वो उससे बाहर नहीं हुए, उनको झटका लगा लेकिन वो झटके को सह गए। तो ये दूसरा एक बेनिफिट है। थर्ड पॉइंट है, अगर देखो आपको ना हर मैच को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बुकी हो तो, स्पेशली आइडिया काम अगर आप करते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। आपने अकाउंट दे रखे हैं बंदे को, उसमें वो सौदा मार रहे हैं, आपकी शेयरिंग है, LDA वगैरह बोलते हैं जो, तो उसमें क्या है कि सौदा कटिंग वटिंग होके जो आपका शेयर बनता है वो आपने लेना देना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी है, सॉरी किसी की भी शादी है, आप वहाँ जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही। कोई भी ज़रूरी काम आए कोई दिक्कत नहीं कि हाँ जी हम बैठे हैं, ये लफड़ा है, पुलिस छापा मारेगी, अलग होटल रूम लेना है, गाड़ी में चलते चलते गाड़ी में बुक के सौदे चल रहे हैं, ये सब बसड़ ख़त्म। आज के समय में, मैं आज के समय की बात कर रहा हूँ, आज के समय में इन मॉडर्न एरा आप ऐसा भी कर सकते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में घूम सकते हो, किसी भी कोने में 12 के 12 महीने, अगर आपके पास पैसा, आपका बुक का बिजनेस अच्छा है तो आप 12 के 12 महीने घूम सकते हो और आपका काम हैम्पर नहीं होगा। क्यों? सौदे ऑटोमेटिक हो रहे हैं, कटिंग उनकी ऑटोमेटिक हो रही है, डिपॉजिट विड्रॉल के लिए आपने बंदे रखे हुए हैं, आपका जरूरत क्या है? सारा काम ऑटोमेटेड है, सारे के प्रूफ हैं, कुछ है ही नहीं कि आपसे कुछ छुप जाएगा, सही। जैसे लाइक मैकडोनल्ड का बिजनेस होता है, मैकडोनल्ड में क्या होता है, बिना बिल के कोई सामान मिलता नहीं है, कोई बर्गर वगैरह आपको मिलता नहीं है, तो आपने कभी नहीं देखा होगा मैकडोनल्ड का मालिक जो है वो उस शॉप में बैठा है, क्योंकि जो वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटेड है, एक पैसे की चोरी होती नहीं है। सेम काम इस बिजनेस में है। ये चौथा बहुत बड़ा बेनिफिट है जो ये काफ़ी लोगों को ना लुक्रेटिव लगता है, स्पेशली बड़े लोग जो हैं वो ऐसा भी करते हैं बहुत लोग, कि अपने रिश्तेदारों को ये काम करवाते हैं, डायरेक्टली वो इस काम में शामिल नहीं होते, किसी और को इस काम में इंक्लूड करते हैं। एक और फ़ायदा है, अगर आपके पास स्किल है, आप ऑब्वियसली बात करें, आप 4-5 साल एज ए फंटर हो चुके हो तो आपके अंदर स्किल आ चुकी होगी, किसी के अंदर ज़्यादा किसी के अंदर कम, और अगर आपका लक अच्छा है तो आप जो पंटर का पैसा होता है ना उससे खेल के बड़ा पैसा बना सकते हो। ये एक और बेनिफिट है, हालांकि इसका नुकसान भी होता है। प्रिंसिपली देखें तो कहते ये हैं कि जो एक बार बुकी बन जाता है उसको फिर फंडिंग नहीं करनी चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। पर ये है कि मान लो जैसे आपकी बुक है उसमें आप 1 लाख प्लस हो, आपको 10 पैसे का मैच दिख रहा है या 10 पैसे भाव आ गया है, आप फंटर प्लस है, आपको दिख रहा है फंटर नहीं खा रहा उस पॉइंट पर टीम को, या आपके पास एक्स वाई जेड, मतलब कहने का ये कि आपके पास एक अच्छी खासी आपकी बुक बन चुकी है, फंटर का जो है सो है, आपको दिख रहा है भाव 10 पैसे, आप उस पैसे पे वहाँ पे खा सकते हो, आपको डर भी नहीं लगेगा क्योंकि आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। हालांकि देखो तो जो पैसा आप दे रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपकी जेब का ही जा रहा है, लेकिन इन द सेंस लाइक आपकी जो ड्रॉवर में पैसा पड़ा है या आपके जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है वो नहीं जा रहा, तो आपको तो डर नहीं लगेगा। और आप भी जानते हैं जब आपको डर नहीं लगता तब आप ज़्यादा बेटर डिसीजन लेते हो यहाँ के अंदर। तो ये एक और पांचवा बड़ा बेनिफिट है एज ए बुकी पॉजिटिव। ठीक हो गया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है क्रिकेट प्रेडिक्शन का, काफ़ी लोग अभी भी, इतने 8-9 महीने हो गए हैं, मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, लिंक डालता हूँ सब चीज़, अब तो मैंने व्हाट्सएप नंबर तक देना स्टार्ट कर दिया, स्टिल लोग, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ मेरे पास आते बाद में कि यार आपने ये टिप दी, मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं दी, कह रहे यार आपने ये दी, देखो चैनल वो फेक चैनल पड़े। तो भाई मेरे, ये मेरे चैनल का लिंक है, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, अगर आपसे उसको ज्वाइन करने में कोई इशू आ रहा है आप मेरा चैनल सर्च ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि सर्च में तो फेक चैनल इतने हैं कि आप वहाँ पहुँच जाओगे प्लीज़। तो बेटर है या तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें, इससे सिंपल तो कुछ है नहीं, मेरे से आप लिंक मांग लें,
या आप मेरे यूजर नेम टेलीग्राम का, आप मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि इसमें कोई एरर आपसे नहीं होगा। चलिए, सब कुछ मीठा ही मीठा, ऐसा कैसे? ठीक है, तो भैया नेगेटिव भी हैं बुकियों के। सबसे पहला और जो मैंने लिखा नहीं है ना यहाँ पे, वो मेरे लिखने से रह गया है, वो ये है कि पुलिस का पंगा बड़ा होता है। देखो, आज भी हम और आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर अगर पुलिस आपके घर के बाहर आ गई ना, तो मोहल्ले वाले ना आपका जीना हराम कर देंगे। अरे ये क्या हो गया, अरे कल ये पिंकी के साथ गया था, ये कुछ ने बलात्कार वलात्कार कर दिया वो साले ने, अरे तो लड़की बाज है, अरे दारू बाज है, जो जो क्राइम आपने नहीं करे होंगे ना वो सारे आपके मत्थे आ जाएंगे। आप एक बार जेल गए, मतलब थाने गए, वहाँ से आप छुट छुट रहा आपका हो गया, वापस आ गए, लेकिन जो वो आपकी इमेज बन जाती है ना समाज में, वो नहीं हटती। तो पुलिस के हेडेक आपके जिम्मे हमेशा रहेगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये काम करो और आप हमेशा बचे रहो, ये तो संभव नहीं है, वो तो है ही है। दूसरा एक सवाल और आता है कई बार ना बंदों का, कि भैया जैसे हम लोग अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या ये सेफ़ है? हालांकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं बता भी चुका हूँ जो मुझसे पर्सनली पूछते हैं। देखो, 99% तो आप सेफ हो, ठीक है, बट 1% मैं, आप या कोई भी यहाँ पर जो टेलीग्राम पे काम कर रहा है वो कोई सेफ़ नहीं है, कोई सेफ़ नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको खामखा झूठ बोल दूँ, जी सेफ़ है, सेफ़ इसलिए नहीं है, ये काम लीगल नहीं है। दूसरा, आप ये नहीं जानते कि जो आपके खाते में पैसा आया है या जिस खाते में आप पैसे डाल रहे हो वो किसका है। सही, अगर उस खाते में पैसा गलत सोर्स से आ रहा है और फिर वो आपके पास आ रहा है, दैट कम्स अंडर मनी लॉन्ड्रिंग, वो ईडी के दायरे में भी आता है। और डर मत जाना कि मोदी आपके घर ईडी भेज देगा, नहीं, हम और आप चिल्लर हैं, वो करेगा नहीं करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन कर सकते हैं, हम दायरे में आते हैं। लोग मर्डर करके छूट जाते हैं, लेकिन लोग एक्सीडेंट करके भी मर्डर केस में अंदर जाते हैं। मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि 1% चांस है, सिर्फ 1%। अब पुलिस वाले को पता है, देखो जो पकड़े ईडी वाले पकड़ेंगे अगर आपको, वो देख लेते हैं कि भैया ये कौन है, ठीक है, पूछताछ आप चोरी छोड़ देंगे आपको, वो हद से हद इतना, मैं तो कह रहा हूँ बहुत रेयर है कि ऐसा हो, क्योंकि उनको पता है ना कि जो ये क्राइम कर रहा है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उनको पता है कि आपको वोट डाल सकते हैं अंदर, लेकिन वो डालेंगे नहीं, आपको वार्निंग वगैरह देकर छोड़ देंगे। ये मेरे साथ भी होता है, ये किसी के साथ भी होता है, बिकॉज वी डोंट नो कि हमारे खाते में जो पैसा आ रहा है वो किस सोर्स से आ रहा है। बहुत डरने वाली बात नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, 99% चांस है कि ऐसा नहीं होगा, पर 1% चांस हर चीज़ के आपको लेके चलने चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बुक्स के लिए भी होता है, जो लोग कहीं से पैसा ले लेते हैं। अब आता है पहला पॉइंट, देखो आने वाला जो समय है ना बुकीज का, वो फुल ऑफ अनसर्टेनिटी वाला है। अगर आप मुझसे पूछो तो जो मुझे लगता है, आने वाले टाइम में जब लीगलाइज ये काम होना है, लीगलाइज टीवी पर दबा के ऐड चल रही है, आकाश चोपड़ा दबा के ऐड कर रहा है, उसकी सारे फिल्म स्टार उसकी ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट सपोर्ट ऑलरेडी है। गवर्नमेंट, या मैं ये कहूँ कि जो भी रूलिंग पार्टी है इस समय, जैसे हमारे देश में बीजेपी है, तो उसके कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, मेंबर बोलो या उनके वो सांसद बोलो, कुछ ही बोलो, जिनकी बैकिंग है पर्दे के पीछे से और सरकार का सपोर्ट है कि हाँ ये काम को लीगलाइज किया जाए। इसलिए नहीं कि वो लोग ये चाहते हैं कि लोग बिगड़े, उनको पता है कि बेटिंग को रोकना मुश्किल है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ये पैसे को जितना हो सके लंदन या दुबई जाने से रोक रहे हैं वो, ऐसा करके, क्योंकि अगर यहाँ के बिजनेस इस काम को करेंगे तो पैसा जो है वो यहीं के लोगों पे जाएगा। ठीक हो गया, आप कह सकते हो कि भाई ये तो उसमें भी हो रहा था, जो पहले आपका फ़ोन वाला सिस्टम था वो उसमें भी रहा था, लेकिन उसमें ये अनऑर्गेनाइज था, वो लोग तो कैश में सारा डील करते थे तब आप उनसे, अब सारा काम आईडी के थ्रू हो रहा है, सब काम रिफिल हो रहा है और इसको प्रचार किया जा रहा है बकायदा फिल्म स्टार द्वारा। तो पैसा एक एक आप बोल सकते हो एक आइडेंटिफाइड सोर्स के पास जा रहा है, और गवर्नमेंट की बैकिंग के बिना ये ऐसा कर लेंगे, ये मेरे ख्याल से मानना इम्पॉसिबल सी बात है। तो देखो आने वाले टाइम क्या है, लीगलाइज जब बैटिंग हो जाएगी, ये होनी है, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 5 साल में हो, ये सरकार करके मानेगी। हमारे देश का चूतिया विपक्ष नहीं होता जो हल्लांगामा हर बात पे अगर नहीं करने वाला होता तो ये लीगलाइज हो जाता, क्योंकि अभी जैसे ही लीगलाइज होगा तुरंत हल्ला मच जाएगा, देखो देखो रोजगार है नहीं और युवाओं को सट्टे में धकेला जा रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि भैया ड्रीम इलेवन चालू किसने करा था, ठीक है, तो जब ये लोग जिस दिन ये लोग ड्रीम ये इसको बैटिंग को लीगलाइज करेंगे ना, बीजेपी वाले या जो भी करंट गवर्नमेंट है, वो ये कहेंगे देखो आपने भी तो ड्रीम इलेवन को लीगलाइज किया था,
वो सट्टा नहीं है, और हमारा आप जानते हो सट्टा ही है। बेसिकली ड्रीम इलेवन को लीगलाइज करना ही एक फर्स्ट बेबी स्टेप था बेटिंग को लीगलाइज करने के पीछे। पहले सरकार एक आपके मुंह में ना निप्पल देती है, बाद में दूध की बोतल देती है, वो वाला सिस्टम है। तो जब लीगलाइज होगा ये काम, जो स्मॉल और मीडियम बुकी है ना वो इस लाइन से आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जब बेट फेयर, बेट 365, स्काई एक्सचेंज बड़े खुले तौर पर सामने आएगा, ये सब बड़े बड़े बुक्स जो हैं जब खुले तौर पर सामने आएंगे, ये बड़े बड़े डिस्काउंट देंगे बंदों को, तो जो स्मॉल मीडियम बुकी है वो लाइन से आउट जाएगा। जैसे देखो कंपटीशन हुआ जियो, एयरटेल और वोडाफोन में, तो एयरसेल, डोकोमो, पोकोमो ये सब गायब हो गए, यूनिनोर वूनिनोर है ना, टेलीनोर, सब गायब हो गए। आज के टाइम में सिर्फ जियो है, एयरटेल है और वोडाफोन, क्योंकि मार्केट का ये उसूल है भैया, जो आदमी मी बड़े पूंजी लेके व्यापार करता है सिर्फ वही टिक सकता है मार्केट के अंदर। अगर आपके पड़ोस वाला दुकानदार 40 रुपये किलो शुगर बेच रहा है और आप 60 बेच रहे हो, तो कितना भी आपका नज़दीकी हो वो 40 वाले से लेगा, और अगर 40 वाले के पास पूंजी है तो वो 2 साल घाटा सहलेगा लेकिन आपकी दुकान बंद करा देगा। मार्केट का ये उसूल है, बड़ी मछली छोटी मछली खाती है। तो जब ये काम बड़े स्तर पर जाएगा, लीगलाइज होगा, बड़े लोग आएंगे, तो छोटे लोग इस लाइन से आउट हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और वो इवेंचुअली पंटर बन जाएंगे, क्योंकि जो इस लाइन में आ गया वो यहाँ से जा नहीं सकता भैया। यहाँ का जो एक इन्फैचुएशन है, जो अट्रैक्शन है ना, वो बंदे को यहाँ से जाने नहीं देगा। एक भी खराब रन, देखो थर्ड पॉइंट है, एक भी खराब रन अगर आपका आ जाए एज ए बुक बिजनेस में, जैसे 2018 में बहुत से बुकियों का आया जो स्टेबल थे, इस्टेब्लिश थे, जिनके पास पूंजी थी, जिनके इनका जिनको रिस्क कंट्रोल करना आता था, मनी मैनेजमेंट आता था, रिस्क मैनेजमेंट आता था, वो लोग उस पॉइंट को सर्वाइव कर गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उस पॉइंट में उड़ गए, जो संपत्ति बनाई थी उन्होंने सालों में, प्लॉट वगैरह ली, दुकान वगैरह ली रखी थी, मैं जानता हूँ कुछ बुकियों को, उनने वो बेचनी पड़ गई उस फेज़ के अंदर। तो वो भी वो सर्वाइव वाले थे तो बच गए, पर नए बंदे होता वो तो उड़ ही जाता, बर्बाद वाली स्थिति आई थी उसकी। तो मान लो कि 2-4-5-7-10 लाख से बिजनेस कर रहा है, उसका वो पूरा टूर्नामेंट खराब चल गया। वो कैसे टूर्नामेंट में स्टार्ट करता है जब पूरा टूर्नामेंट खराब चला गया, तो क्या करेगा? देखो जनरली क्या होता है, जब एक टूर्नामेंट होता है 40-60% बुकी, 40% पंटर, इसको मैं बोलता हूँ ये पंटर फ्रेंडली है। अगर आप गौर से देखो तो अगर ऐसा होगा ना, तो थोड़ा समझदार पंटर होगा वो कमा जाएगा उसमें, यकीन मानो ऐसा होता है। 70-30 में काइंड ऑफ सर्वाइव वाली स्थिति होती है, बंदे ना कमाते हैं ना बचते हैं, वाली बात है। जब 90-95% जाता है बुकिंग के फेवर में, तब उसमें फंटर बर्बाद होते हैं। पर जैसा आईपीएल गया था आपका 2018 का, वो 70% पंटर के फेवर में हो गया, क्योंकि उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रेट मैच बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। तो होता क्या है, फंटर जब एक बार डरता नहीं है ना, जब उसके हाथ जैकपॉट डेने लगते हैं। अगर देखो आज मैच हुआ, 25 पैसे को उड़ा, आपने कमा लिया 20,000, किसी किलोमीटर 10,000, उसने 20,000 कमा लिया। कल आएगा मैच फिर से 25 पैसे का, हो सकता है वो डर जाए, लेकिन वो क्या है, चल एक काम करता हूँ 10 का 5 के ले लेता हूँ, वो फिर 20,000 खाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, अगले दिन फिर जैकपॉट हो गया, इस तरह से उसकी हिम्मत बन गई, पैसा बन गया है। अब वो क्या करता है, वो डरता नहीं है, किस दिन पता लगा 10 पैसे उन्होंने एक पेटी भी खा ली। तो जब लाइन से अच्छे मैच होते हैं, यानी कि ओवरऑल टूर्नामेंट पंटर फ्रेंडली बन जाता है, जैसे 2018 का बना, उसमें चांसेस बन जाते हैं, बुकीज जो होते हैं, छोटे बुकीज जो होते हैं, ज़्यादा पूंजी नहीं होती, वो उड़ जाते हैं उस बिजनेस से। तो आपने कई बार सुना होगा कि बहुत से लोग हैं वो फंडिंग छोड़ के बुक्की में आए और बुक्की उनकी उड़ गई, क्योंकि वो लोग प्रॉपर तैयारी साथ नहीं आए थे। यहाँ पर आपको अच्छी खासी पूंजी चाहिए, वरना यहाँ पे फंटर बाद में उड़ता है, फंटर को उड़ने के लिए फिर भी 6-6 महीने चाहिए होते हैं अच्छी तरह से बर्बाद होने के लिए। यहाँ तो एक टूर्नामेंट या एक हफ्ता भी बोलो बंदा उड़ सकता है, क्योंकि होता क्या है, जब पैसे हारा होता है तो फंटर, एज ए फंटर आप कितने हारते हो, स्टार्ट करते हो 10-20,000 से स्टार्ट करते हो, यहाँ तो आपके पास लोग 10-20,000 खाने वाले आ रहे होते हैं ना, अमाउंट हर कोई आ रहा होता है आपके पास बिजनेस करने, सौदा मारने आ रहा होता है, आपको सबके सौदे लेने हैं, मना तो आप कर नहीं सकते। और अगर जब लाइन से खराब में चलते हैं, जैसे फंटर होता है लाइन से खराब में चलते हैं, तो वो जैकपॉट ढूंढता डेली, ऐसे ही जब लाइन से अच्छे मैच चलते हैं तो बुकी ढूंढता है स्ट्रेट मैच, और वो सौदे को कई बार अपने ऊपर रख लेता है, उस केस में क्या होता है, उसकी कटिंग हो जाती है अच्छे वाली। आने वाला टाइम जो है, देखो कंपटीशन जो है ना वो बहुत ही ह्यूज होने वाला है, बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है आज के टाइम की, वो लेजी होती जा रही है, उसमें जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है ना, जो नैतिकता होती है, वो भी ख़त्म होती जा रही है। आज की जनता का एक ही उसूल है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।
ठीक है, यानी कि मेरे पास मेरी नौकरी लग जाए कैसे भी, उसके लिए मुझे किसी और की नौकरी खानी पड़ जाए मैं खाऊंगा, ठीक है, मेरे पास अच्छे पैसे आ जाए उसके लिए फंटा व्यवहार हो जाए मुझे चलेगा, ये भी चलता है, ये हर स्तर पर चलता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कॉरपोरेट में नौकरियों के लिए हो, बिजनेस हो, मेरी दुकान चल जाए, इसकी दुकान चाहे बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हो। मोरालिटी नहीं है आज के देश टाइम में, पहले लोग गलत काम करने में डरते थे, अच्छे लोग शराब के बिजनेस में नहीं आते थे, अच्छे लोग बुक के बिजनेस में नहीं आते थे, आज आ रहे हैं और आने वाले टाइम में, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए जल्दी और बिना ज़्यादा मेहनत किए, तो जब ऐसा होगा तो ये बिजनेस उनको लगेगा भाई बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो अगर हर घर से ही आप देखोगे कि ये काम होने लग जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हर गली, अगर हर गली में दो तीन बुकी होने लग जाएंगे फिर तो आप समझ जाओगे कि कंपटीशन कितना हो जाएगा ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस काम के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप ये बुक बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन पॉजिटिव इन नेगेटिव दोनों चीज़ों को कंसिडर करके चलिएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। गुड बाय, गुड लक।